नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती में कितने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमको आंगनवाड़ी के लिए बताएं और कितने उसमें क्या क्या लगना है, डॉक्यूमेंट के साथ भी हमें डिटेल के साथ बताएं इस वीडियो में। तो इसी ये मैंने ये वीडियो खास करके बनाई है, ठीक है ना। यूपी आंगनवाड़ी के लिए जो कमेंट कर रहे थे भैया, सभी के लिए बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक पेन और एक कॉपी ले लेना, ठीक है ना। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊं वो आप कॉपी पर नोट करना, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको अपने आप पता चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आवेदन करने में, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को लेकर। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपके पास सबसे पहले एक होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है ना साथियों। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है ना। और उसके बाद आपको चाहिए एक इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपके बाद इंटरमीडिएट से भी अगर कोई ऊपर डिग्री है, बीएससी, बीए, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे दोस्तों बीएड वगैरह जो भी कर लेते हैं दोस्तों, बीटीसी वगैरह, तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी जो ऊपर डिग्री है इंटर के बाद नहीं लगा सकते, उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपके पास एक होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है ना, फ़ोटो और एक साइन, ये अपलोड होते हैं हमारे, ठीक है ना। दो ही चीज़ अपलोड होगी इसमें, अदरवाइज जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे मार्कशीट वगैरह उनकी आपको फर डिटेल लिखनी होगी, जैसे कि पूर्णांक, ठीक है ना, कितने में से कितना नंबर आया है आपका, कौन सी सन में किया है, आपका रोल नंबर है, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र क्रमांक, ये डिटेल आपको देनी होगी उसमें, ठीक है ना। ये आपकी मार्कशीट वगैरह है वो आपको अपलोड करनी नहीं होगी चैनल पर, ठीक है ना। इसके लिए भी वीडियो में पूरी ऑनलाइन किस तरीके से करते हैं वो वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल दोस्तों मैं आज डॉक्यूमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए जाति निवास, जाति प्रमाण पत्र, एक निवास प्रमाण पत्र और एक दोस्तों आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इन तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, अपलोड नहीं सॉरी दोस्तों, इनके भी डिटेल आपको जाना होगा, प्रमाण पत्र संख्या, एप्लीकेशन संख्या, ठीक है ना, इनकी डिटेल देनी होगी। पर दोस्तों इसमें एक डाउट है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये सर्टिफिकेट हैं तीनों हमारे पुराने चल जाएंगे या नहीं चल जाएंगे, तो ये भी मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ दोस्तों। इस भर्ती में आपको ओनली 6 महीने मतलब पुराने आपके डॉक्यूमेंट मांगे हैं, यानी जाति निवास तो ना 6 महीने के ही बने हों, अंदर के बने होने चाहिए, ठीक है ना, 6 महीने से इधर को ही बने होने चाहिए तभी आप आवेदन करा सकते हैं, 6 महीने पुराने होने चाहिए कुल मिला के। और उसके लिए दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं आय प्रमाण पत्र, इसमें होता है दोस्तों आपकी पैदावार होती है, इनकम कितने आप साल में कमाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी एक डाउट है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारी इनकम इतनी है अपलोड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैं बता दूँ सरकारी काम में सबसे ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं इनकम, तो आपको 46,000 रुपये तक का ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है ना। उससे अगर आप ज़्यादा बनवाते हैं तो आपका मेरे हिसाब से मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आप गरीबी रेखा से कम नहीं होंगे, ऊपर अमीरी में आ सकते हैं, तो इससे अच्छा है आप कैसे भी करके 46,000 रुपये तक का ही अपना सर्टिफिकेट बनाए, 46,080 रुपये तक का जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें लग जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको 46,000 रुपये तक का ही आवेदन वो सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ ही गएंगे दोस्तों, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से बीएससी जो भी है, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र और साइन, ठीक है ना। इन डॉक्यूमेंट को ही आप अब साथ ले जाकर किसी साइबर कैफे के पास जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और आप एक मोबाइल ले जाएं, उसी के साथ ओटीपी के साथ आपका जो काम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मेल आईडी हो आपकी तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफे 5 मिनट में आपकी मेल आईडी जनरेट कर देगा और उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर अपने दोस्तों में भी कर देना, जिससे कि वो भी आवेदन करें और उनको भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए डॉक्यूमेंट की जानकारी के बारे में, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और ढेर सारा प्यार हमें बनाए देते रहें। तो जय हिंद साथियों।